वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। आज आप देख सकते हो मैं खेल रहा हूँ डोडो। आज मैं आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो लाया हूँ। आज मैं ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेम खेलने वाला हूँ, तो मेरे सामने का जो ओपोनेंट होगा वो वर्ल्ड के किसी भी पार्ट से आ सकता है। ये वीडियो इतना इंटरेस्टिंग क्यों है, क्योंकि मेरा जो सामने वाला ओपोनेंट था वो मीन्स हर एक मूव के बाद, ऑलमोस्ट हर एक मूव के बाद कुछ ना कुछ कमेंट कर रहा था, जो कि पूरा अननेसेसरी था। बट मैंने उसका कोई भी कमेंट का आंसर नहीं दिया। बट जब मैंने लास्ट में जब जाके उसे आंसर दिया, उसके बाद वो गेम छोड़ कर चला गया। ये गेम काफ़ी टफ हुआ, काफ़ी इंटरेस्टिंग हुआ, तो मैं होप करता हूँ आप गेम प्ले को पूरा अंतर जरूर देखेंगे। तो यहाँ पर हो चुका है गेम स्टार्ट, देखते हैं आगे क्या होता है। मुझे यहाँ पर 6 आ चुका है और मैं घर से बाहर निकल चुका हूँ। देखो कमेंट करना स्टार्ट कर लिया उसने, लकी रोल, बच्चे का सिंबल, लगता है बहुत ज़्यादा कॉइन्स है उसके पास। देखो अभी से LOL, फिर से बच्चे का सिंबल, नाम भी देखो क्या रखा है उसने, लूडो गेम, इडियट, इडियट ही है ना, हाँ इडियट जैसे कुछ है। उसे अब तक 6 नहीं आया, हाँ अब जाके आया, अब खेलने मजा आएगा। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख दीजिए, और वीडियो पसंद आया तो लाइक भी जरूर करना। देखो इसका कमेंट तो चालू है अभी तक। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये गेम काफ़ी टफ होने वाला है। देखो उस कितना अच्छा प्लानिंग से खेल रहे हो, उस आगे वाले गोटे को उसने उधर ही बिठा के रखा, पीछे वाले से मुझे पकड़ने आ रहे, और बीच बीच में कमेंट बच्चों वाला। देखते जाओ आगे कि क्या होता है। तो अब मुझसे आगे निकल चुका है, अब मुझे कोई खतरा नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो उसने मेरे पहले गोटी को मारा, और जैसे ही गोटी मारा, एक सेकंड के बिना देरी किए उसने मुझे वो भेज दिया कमेंट बच्चों वाला। कितना कॉइन का वेस्टेज करेगा ये, वैसे मुझसे आधे भी कॉइन नहीं है इसके पास। तो देखते हैं आगे गेम में क्या होता है, देखते हैं। मतलब आप लोग देखिए, मैं तो ये गेम पहले खेल चुका हूँ, रिकॉर्डिंग तो बाद में कर रहा हूँ। देखो ये बच्चे वाला सिंबल क्या होगा इसका, तो आप देख सकते हो वो मेरा एक मार चुका है, और वो मींस थोड़े अच्छे पोजीशन पे अब तक मुझसे। देखते हैं आगे क्या होता है। देखो मैं उसके पीछे हूँ, फिर भी वो छोड़ के, उसको भगाने के छोड़कर वो पीछे से आ रहा है मुझे पकड़ने, और ये कमेंट, ये इमोजी तो भेजना कभी छोड़ेगा ही नहीं है। अभी मुझे 6 तो आया, बट मुझे एक रिस्क लेना होगा, उसे ऐसे भगाना होगा, क्योंकि पीछे से भी वो मुझे आके कभी भी मार सकते हैं। तो जो मैंने रिस्क लिया अच्छा काम आया, सीधे घर में जा चुका था। तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो मैंने अब अच्छा खासा लीड ले लिया है, 2 गोटी जा चुकी है अंदर, अब बस मुझे 6 आना चाहिए, और ये लो वो 6 भी आ गए। बस ये गेम जिता दे, इसका इमोजी का बदला लेना है मुझे। तो इसी के साथ मैंने उसका एक गोटी मारा, आप नहीं जानते कितना ज़्यादा सुकून मिला उसको मार, फिर भी ये कमेंट करना नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा ये ऐसे कमेंट करना, कुछ तो करना ही होगा उसके साथ, कुछ बड़ा, कुछ अच्छा करना होगा।
तो अभी आप देख सकते हो मेरा 3 अंदर जा चुके हैं, उसका एक भी नहीं गया। फिर भी मैंने आपसे कहा था ये गेम काफ़ी टफ होने वाला है, तो बस आप देखते रहिए टफ कैसे होने वाला है। अभी आपको एक झलक मिल गया होगा कि मेरे को वो बार बार मारने वाला है, मुझे इतनी बार मारेगा ना कि मैं सोच भी नहीं सकता मैं टफ पे रहता हूँ। रुक रुक के मुझे मारेगा एक ही जगह पर। तो अभी आ चुका है मेरे लिए डू और डाई सिचुएशन। अगर अब उसने मुझे मारा तो मैं ऑलमोस्ट गेम से बाहर चला जाऊंगा। ये लो मुझे आ चुका है 6 और 5। तो ये अब है मेरा मौका कमेंट करने का, मैंने कर लिया उसे कमेंट। देखिए आगे क्या होता है, उसने गेम ही छोड़ दिया और चला गया और इसी के साथ मैं ये गेम जीत गया। अगर आप लोगों को ये चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब जरूर करके रख दीजिए मेरे चैनल को। कुछ दिनों बाद मैं अपने सब्सक्राइबर के साथ भी ये गेम खेलना स्टार्ट करूँगा फ्रेंडली मोड पे। तो देखते हैं आगे क्या होता है। आज के लिए बाय बाय।